का ये वीडियो है, ये हम जन्माष्टमी को समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं और एक संदेश देने के लिए आते हैं। उनका संदेश बहुत ही क्लियर रहता है। उनका संदेश रहता है कि किस तरह से इंसान का जो जीवन है कितना सुखप्रद है, कितना बढ़िया जीवन ईश्वर ने इंसान को दिया है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है और तरह तरह की शिकायतें करता रहता है। अगर हम इंसान को देखेंगे, हम भगवान को देखेंगे, तो उनका जीवन देखिएगा। कृष्ण भगवान जेल में पैदा होते हुए तूफान बारिश सभी सारे जितने भी यातनाएं थे, सभी जो भी है प्रकृति की कितना कुछ हुआ, बाढ़ आ गया है, फिर वो जिस टोकरी में वासुदेव जी लेके जा रहे थे वहाँ तक पानी भर रहा था, फिर उसके बाद वो ग्वाला बने, राजा के बेटे होते हुए भी उनको ग्वाला बनना पड़ा, एक छोटे से आश्रम में उनकी पढ़ाई हुई, गाय चराते थे, और सबसे बड़ी बात जब से पैदा हुए थे तब से उनके ऊपर हत्याओं की साजिश शुरू हो गई। कोई ना कोई बन के आता था, कभी पुतना आती थी, कुछ ना कुछ ऐसे विराट जो राक्षस थे, बड़े बड़े राक्षस थे, उनको हत्या करने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे वो जब से पैदा हुए थे। और इसी तरह से उनका जो जीवन है, इसी तरह से वो जीवन आगे बढ़ता गया, जिससे उन्होंने प्रेम किया उससे कभी शादी नहीं हुई। एक फिर राजा बने, उनको अपने मामा का वध करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो मानव जाति का संहार कर रहे थे तो वहाँ पर उनको चेंज करना पड़ा, अपने कंस मामा का वध करना पड़ा। शिपल जो उनका बुआ के लड़के थे, उनको उन्होंने बोला था अगर 101 गुना में इसको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही 100 गुना में इसको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही 101 होता है कृष्ण भगवान जो है उनको वध करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वैसा वचन दिया था। इसी तरह से जीवन उनका, वो राजा होते हुए भी उनको सारथी बनना पड़ा, वो सारथी बन के उन्होंने अर्जुन के सारथी बन के उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। तो आप देखेंगे ईश्वर का जो जीवन है इसी तरह से था, कष्टप्रद जीवन था, और यही बताने आते थे हमेशा, अक्सर वो यही बताने आते थे कि ये जो जीवन है जो आपको मिला है ये सबसे बेहतरीन जीवन मिला है। तकलीफें हैं छोटी छोटी, लेकिन उसी छोटे छोटे तकलीफों को हमें पार करते हुए आगे जाना है, और उसी का तो नाम जीवन है। तो आज से शिकायत करना छोड़ दीजिए साहब। जब बड़े बड़े ईश्वर के साथ ऐसा हुआ, जब उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर हम क्या है। तो याद रखिएगा आज का जो संदेश यही है, जब ईश्वर के साथ इतनी तकलीफें हुई, सब कुछ हुआ, और उसको भी उन्होंने पार करके वो भगवान बनते हैं कि कुछ इस तरह से जी कि भगवान बनकर जी। तो आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, लेकिन इसी मुसीबत को पार करना ही जीवन है, सच्चा जीवन है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।